इल्म के बगैर अमल फजूल खर्ची है और अमल के बगैर इल्म हमाकत है। जान लो कि शुक्र करना सबसे बड़ी बात है और ये सब्र खौफ और दुनिया की लातालुकी से बुलंद है। इंसान की हकीकी अजमत उसकी अपनी तरकी में मुजम्मिर है। तुम्हारे और खुदा के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ तुम हो। हम ऐसी मखलूक है जो बिरूनी ताकतों को मर्दल इल्जाम ठहराना पसंद करते हैं। ये नहीं समझते कि मसला आमतौर पर अंदरूनी होता है। तज़किया नफ्स यानी रूह की पाकीज़गी संगीन है। आखरत आगे है, दुनिया पीछे है, मौत करीब है, सफर दूर है और रिज़िक हल्का है। नज़्म व ज़ब्त का आखिरी मकसद ये है कि खुदा की बारगाह में अपने दिल को मुसलसल तलाश किया जाए। आगाज पर अबूर हासिल किए बगैर इख्तिताम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। एक मौजूद शख्स लोगों को यह नहीं बताता कि वो कितना अजीम है, लोग उसकी सोहबत में रह के ही उसकी अजमत को पहचानते हैं। मौत को मौत न समझो, मौत एक जिंदगी है। जन्नत का रास्ता ऊपर की चढ़ाई है जबकि जहन्नम नीचे की तरफ है, इसलिए जन्नत के लिए जदोजहद नहीं है बल्कि जहन्नम के लिए है। जो नहीं जानता उसे सिखाओ और जो जानता है उससे सीखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप वो सीखोगे जो आप नहीं जानते थे और जो आप जानते हो उसे आप बरकरार रख सकते हो। ज़बान बहुत छोटी और हल्की है लेकिन ये आपको बुलंदियों तक ले जा सकती है और ये आपको निचली तरीन गहराइयों तक भी पहुंचा सकती है। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल सोच समझकर करें। जब भी मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं मुझे एहसास होता है कि जब भी मैंने सोचा कि मुझे किसी अच्छी चीज से मुस्तरद यानी दूर किया जाता है, मुझे दरअसल किसी बेहतर चीज की तरफ गामजन किया जाता है। आपको अपने दिल को ये बावर कराना चाहिए कि अल्लाह ने जो भी फैसला किया है वो आपके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब और फायदा मंद है, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है।